कि भाई तुम तो नीच हो यार, हमारे सामने तुम नीच रहोगे। जब नोटबंदी एक दिन में खत्म हो सकती तो जाति बंदी क्यों नहीं हो सकती? और ये इस देश के अंदर जितने भी इनके संस्कार है वो बलात्कारी है। मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, तुझे घर में घुस के गोली मारूंगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प दिवस जो आज मना रहे हैं, जिस डेट को हम आज के ही दिन बाबा साहब ने छुआछूत से परेशान होकर के ये संकल्प लिया था कि मैं इस देश से छुआछूत मिटा दूंगा। लेकिन जिस विचारधारा के खिलाफ वे छुआछूत मिटाने की बात कर रहे थे, वो विचारधारा आज भी जीवित है, क्योंकि उस विचारधारा के जो पुत्र हैं वो आज भी उसको बनाए रखना अपना धर्म समझते हैं। क्योंकि धर्म शास्त्रों में जातिवाद, छुआछूत, लोगों को नीचे रखना, ये उनका कर्तव्य है। और वो अपने पिता का, अपने परदादाओं का, दादाओं का किया हुआ कार्य बखूबी निभाना अपना कर्म समझते हैं। यही कारण है कि जातिवाद आज तक नहीं गया। वो संविधान की भी अवहेलना करते हैं, वो संविधान के अंदर निहित समानता को भी नहीं मानते। वो एक तरफ तो कहेंगे कि हम अपनी भावना हाथ होने का ढोंग पीटेंगे कि संविधान कहता है किसी की भावना हाथ मत करो, लेकिन एक तरफ वो छुआछूत के चलते करोड़ों लोगों की हर दिन भावनाएं आहत करते हैं। उन भावनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उस तरफ की अगर हम बात करें तो जातिवाद बेहद घना रहा। उसी क्षेत्र में ब्रेस्ट टैक्स भी लगा, महिलाओं पर स्तन कर लगाया गया कि भाई आप अगर अपने स्तन ढकेंगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसी राज्य में सबसे ज्यादा करोड़ों करोड़ों की तादाद में देवदासियां रही हैं मंदिर के अंदर। जो देवदासियां, जो 8 साल से लेकर के 50 साल तक की उम्र की देवदासियां, जो बच्चियां रही हैं, जिनके साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खूब शोषण होता था, केवल रोटी पर उनको रखा जाता था, जो चढ़ावा आया वो उनको खाने दे दिया। तो सबसे ज्यादा देश का जो घिनौना चरित्र रहा है जातिवाद को लेकर के, वो उधर भी रहा है। शिक्षा केवल अकेडमिक मिलती है भारत के अंदर। जातिवाद खत्म करने की शिक्षा ना किसी स्कूल में दी जाती है, ना किसी ट्यूशन में दी जाती है, ना किसी घर में दी जाती है। लेकिन जो लोग मानवतावादी लोग हैं वो तो संकल्प ले रहे हैं। आज जगह जगह पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प वही लोग ले रहे हैं जो इससे परेशान है, जो इससे पीड़ित है, जिनको सताया गया है। लेकिन जो इसको सता करके एंजॉय करते हैं कि भाई तुम तो नीच हो यार, हमारे सामने तुम नीच रहोगे, लेकिन वो इसका संकल्प लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यार जिस चीज को हम सदियों से नीचे दबा के रखे हैं, जिनको हम जब चाहें जब चुटकी मसल के दबा सकते हैं, कह सकते हैं यार तुम तो बड़े, तुम अच्छे, तुम एससी हो, अच्छा अच्छा तुम ओबीसी में आते हो, हो। तो उनके लिए ये शब्दों से ही सामने वाले का मनोबल डाउन करना वो अपनी ताकत समझते हैं। तो वो इसका संकल्प कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो इसको अब अपना अधिकार समझ चुके हैं कि हम तो भैया सताएंगे। जाति खत्म करने की बात हम लोग कर रहे हैं ना नीचे से, लेकिन सरकारें तो नहीं कर रही। जब नोटबंदी एक दिन में खत्म हो सकती तो जाति बंदी क्यों नहीं हो सकती? अगर सरकारें चाहे तो एक दिन में जाति बंदी कर सकती हैं, लेकिन हम नीचे के नागरिक जो मानवता प्रेमी है, जो देश को प्रेम करते हैं, जो देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, समानता में देखना चाहते हैं, वही लोग जातियां खत्म करने की बात करते हैं। तो फिर आम जनता को क्यों भड़काया जाता है कि मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से खतरा है? और हम अगर मुस्लिम का पक्ष लेते हैं तो कहते हैं कि तू मुल्ला के साथ रहती है। अगर हम मुस्लिम के साथ कहते हैं कि भाई मुस्लिम हिंदू मत करवाओ, सब लोग एक एक साथ रहो, सब लोग प्यार से रहो, बहनचारे से रहो, भाईचारे से रहो, तो कहते हैं कि तुम मुल्ला की औलाद हो क्या? तो तब ऐसे क्यों कहते हैं इनके चेले चपाटे? मतलब वोट मांगने के लिए मंजार पे भी जा सकते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए अपनी भतीजियां दे सकते हैं, बेटियां दे सकते हैं, अपनी पोतियां दे सकते हैं, मुसलमानों को, मुगलों को दे सकते हैं। कायम कर रहे हैं ना वो लोग, देखिए। तो आम जनता में फिर नफरत क्यों फैलाते हैं? आम जनता पर फिर मॉब लिंचिंग क्यों कर देते हैं? एक आम जनता को भीड़ में चल करके एक मुस्लिम बच्चे को क्यों मार देते हैं? आज बिल्किस बानो को, अपराधियों को क्यों माला पहना करके स्वागत करते हैं? अगर ये भाईचारा और बहनचारा न, तो ये सारे संस्कारी ब्राह्मण इसी देश में पाए जाते हैं। और ये इस देश के अंदर जितने भी इनके संस्कार है वो बलात्कारी हैं। वही वाली बात है कि भाई तुम करो तो रासलीला और कोई और करे तो भैया कैरेक्टर ढीला। तो ये वो नीच लोग हैं जो सारी नीचता की हदें पार करके भी खुद को संस्कारी कहेंगे। मैंने तो किसी धर्म का नाम नहीं लिया आज तक, मैंने तो हमेशा से छुआछूत का नाम लिया है, असमानता का नाम लिया है, भाईचारे का नाम लिया है कि छुआछूत खत्म करो, भाईचारा खत्म करो, आपस में मिलकर रहो। हाँ बिल्कुल, मैं भड़काती नहीं हूँ। जो कल्पनाओं में पत्थरों में बना करके गढ़ दी हैं उनका इतिहास खोद कर लाती हूँ। जो इन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उसको पढ़ पढ़ के सिर्फ बोल देती हूँ मैं। तो आस्था इतनी कच्ची क्यों है? थोड़ा मजबूत करो ना आस्था को। आस्था इतनी कच्ची क्यों है? मेरी आस्था तो खराब नहीं हो रही, मुझे तो गालियां भी देते हैं, मुझे तो मारने की धमकियां भी देते हैं, तो मेरी आस्था तुमसे 1000 गुना मजबूत है।
तुम्हें अपने भगवान का अगर इतना ही डर है तो तुम्हारा भगवान मुझसे सामने आके क्यों नहीं लड़ लेता? नहीं, मेरा भगवान होता तो मेरे लोगों के लिए रिहाई करता ना, इस गुलामी से आजादी देता। अगर वो मेरा भगवान होता तो मेरे लोगों का दर्द समझता। डॉक्टर अम्बेडकर का दर्द आज भी लोगों के बीच में क्यों है? अगर वो मेरा भगवान था तो डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों भगाया गया मंदिर से? डॉक्टर अम्बेडकर का सर क्यों फोड़ा गया? डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी पीने के लिए क्यों अपने सर फोड़वाए? अगर वो मेरा भगवान था तो मेरे लोगों को सताया क्यों जाता है? वो मंदिर में जाने के लिए शुरू से गुलाम बनाया जा रहा है ना। जो जो मंदिर में नहीं जा रहे उनको देखो कैसे तड़पा रहे। हम लोगों को जेल के लिए कह रहा है कि तेरे को फांसी दे देंगे, तुझे मार देंगे, घर में घुस के गोली मारूंगा, ऐसे कह रहा है। और मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं, तुझे घर में घुस के गोली मारूंगा, मुझे धमकी दे रहा है। और परशुराम का तू इतिहास जानती होगी, परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को इतनी बार मारा, क्षत्रियों को 21 बार मार के पृथ्वी जो है क्षत्रिय विहीन करी थी। और मैं तुझे भी नष्ट करूंगा, तुझे मारूंगा। तो जो खुद को कह रहा है कि मैं संस्कारी हूँ, उसी की औलाद कह रही है मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं तेरा गला काटूंगा घर में आके। क्या हमलावर होते? हमारे शब्द हमलावर है। मेरे हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में बंदूक है, गोली है, तलवार क्या है मेरे हाथ में? बम है, बारूद है, या मेरे हाथ में कोई मैं वो लेके चल रही हूँ मिसाइल, क्या है मेरे हाथ में? क्यों है खतरनाक? बोलते तो ये लोग भी है, ये तो कहते हैं नीच। ओहो, तुम बाप पढ़ लिख के जूते चप्पल पहनने लगे हो तो ये गोली से खतरनाक नहीं है? एक इंसान को नीच कहते हो, पढ़ने लिखने के बाद भी उसकी योग्यता पर सवाल उठाते हो, ये नीच शब्द नहीं है? ये आहत नहीं करते कि उसका जो हाई कॉन्फिडेंस होता है वो जमीन पर ला दे तो एक मिनट में, कि भैया तुम तो आरक्षण से आए हुए हो, अच्छी है भैया तुम्हें तो कम नंबर पे भी मिल गया होगा रिजर्वेशन की वजह से, और ये अपने बाप दादाओं की जुड़ी हुई जमीनों पर और पैसे पर धन दौलत पर जाकर के ले लेते हैं और EBS के नाम पर पे हक काट रहे पूरा पूरा। ऊपर से लेकर के देखोगे तो ये ज्यादा मिलेंगे और नीचे जाके देखोगे तो मेरे समाज के लोग ज्यादा मिलेंगे। काय की योग्यता? योग्यता है तभी तो बलात्कारियों के साथ, वो बलात्कारियों में बलात्कार करना योग्यता होती है क्या? आप योग्यता मानते हैं इसको? किसी को नीच, इंसान को इंसान नीच कह रहा है, ये योग्यता है क्या? दूसरे की बेटियों को कह रहे हैं कि साला तुम्हें तो खेत में डाल के ऐसा करेंगे, ये योग्यता है क्या? साला तुम्हें तो सड़क पे लेकर के 50 लोग इकट्ठा तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, इसको योग्यता मानते हो क्या आप? एक नहीं 1000 है, मैं इनबॉक्स आपको खोल के दिखा दूंगी, सारी चैट सार्वजनिक करना आप। और इस पर बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हम आप लोगों को लेकर के। हम पुलिस को बताते हैं, हमने देखिए फेसबुक के साथ भी हमने कहा कि पुलिस को हमने कहा कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें धमकियां आ रही है। लेकिन फेसबुक ने क्या किया, हमारी जो वीडियो थी, हमारी जो आईडी थी, वो ब्लॉक कर दी, जबकि हम उनके साथ कार्रवाई करनी थी, हमारे खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये इस देश के अंदर हमारी आवाज को दबाया जाता है, हमें राइट टू स्पीच का जो हमारा इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो खत्म किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि वो हमें क्यों नहीं समझ रहे हैं? हजारों लोग समझ रहे हैं, लाखों लोग समझ रहे हैं। पूरे दिन भर में मेरा फोन देखिए, 1000 फोन आते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि बहन जी हमारे साथ भी ऐसा होता है। और मैंने आज कल उसने मेरे एक रैपट मारा था, मेरा दो रैपट मारे खींचकर। वो अब नहीं कहता मुझे अछूत, वो कहता भाई साहब निकलिए। लोग कौन जा रहा है? कोई एक जा रहा तो पिट के आया ना, जाओ पिटने के लिए। देखिए ये एट्रोसिटीज जितनी भी है ना, ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। पहले होकर के गांव में दब जाती थी, घरों में दब जाती थी, आवाज मुंह में दबा देते थे। अब दलितों पे आवाज आने लगी है, वो बोलने लगे भैया मुझे मारा, मुझे मारा। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि अब उनकी आवाजें निकल रही है कि हमें मारा गया है। अभी तक उनकी आवाजें दबाई गई थी, अब वो कह रहे हैं कि हमें मारा गया है। मोबाइल आ गया हाथ में, वीडियो बन जाती है, फोटो हो जाते हैं, तो वो आप तक हम तक पहुंच जाती है। पहले ये घटनाएं आप तक हम तक नहीं पहुंचती थी, मीडिया तक नहीं जाती थी, क्योंकि पहले हमारा कोई मीडिया दिखाता नहीं था। अब आप हजारों लोग खड़े हो गए मीडिया के चैनल लेकर के, तो ये बातें लोगों तक पहुंच रही है। तो ये अत्याचार जितने थे ये पहले और ज्यादा थे, इसको आप ठीक से समझने की कोशिश करिए। आज गांव देहात में भी लोग मोबाइल लेकर के कहते हैं कि तेरी वीडियो बन जाए। संकल्प ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, ये संकल्प का ही नतीजा है। देखिए पूरे देश भर से यहाँ पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग हैं। यहाँ देखिए 200 तो लगभग यही है, 200 वहाँ बैठे, 400 बाहर खड़े हैं। ध्यान से देखिए आप, यहाँ बहुत लोग हैं और ये सारे लोग संकल्प लेकर के ही यहाँ से जाएंगे, अपना अपनी जिम्मेदारी अपने अपने हिसाब से सब निभाएंगे।